दूसरा फिर अपने आप पे भरोसा। जिस दिन तुम में वो भरोसा आ जाएगा, हम डर जाते हैं। मौत तो अल्लाह के पास है, कौन है मौत देने वाला? जिस दिन आएगी, क्या उस दिन फौज बचा सकेगी फारूक अब्दुल्ला को? नहीं बचा सकेगी, क्योंकि देने वाला वो है और जिंदगी बख्शने वाला वो है। अगर मैं मरना था पिछले महीने मर जाता, मैं बिल्कुल ठीक था। ये मालूम नहीं था मुझे कि मुझे निमोनिया हो गया है, मगर अल्लाह ने बचाना था। अस्पताल गया, डॉक्टर का अस्पताल गया, जरा एक्सरे करा, मालूम हुआ कि मुझे निमोनिया है। फौरन मुझे वहां पर अस्पताल में दाखिल होना पड़ा, दवाएं दी तो मैं ठीक हो गया। और हम डर जाते हैं, सच्चाई बोलना नहीं चाहते। क्यों डरते हो? इतना डर है तुम्हें मौत का? जब आएगी कोई रोक नहीं सकता, और जब तक वो नहीं आएगी तो कोई मैं मार नहीं सकता। ये बात याद रखो। मगर क्योंकि तुम्हारा ईमान कमजोर है, तुम अल्लाह को नहीं समझते। तुम मुसलमान जरूर हो, नाम के मुसलमान हो, अमल के मुसलमान नहीं हो। ना नमाज, कुरान तो छोड़ दीजिए, ना आप अल्लाह ने आपको बरकत दी होगी किसी के साथ बांटोगे, रोजे रखने का तो सवाल ही नहीं। हज करने पहुंच जाएंगे कि नाम हज ही लग जाए, वो नहीं है, वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम मोहब्बत का मसला है, भाईचारे का मसला है, हर एक के साथ बराबरी का सलूक करने का मजहब है। उसको पकड़ लीजिए, उसमें अल्लाह ताला हमें मुश्किलों से निकालेगा। कोई धर्म बुरा नहीं है, कोई भी धर्म, इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं है। उस धर्म को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं वो अलग बात है, उसका जवाब वहां देना है। से जमात है और सबने मेहनत की है। मैं आपसे कहूंगा, मैं ये जो हमारे मियां साहब है, अगर मैं बयान करूं मैंने कहां कहां इनको नहीं भेजा, जहां मुश्किलें आई अल्लाह ही जानता है। पहुंचे क्यों ना, पहाड़ के कोने में पहुंचना हो पहुंचे, जंगल काटे जाते थे और जंगल बचाना जरूरी था। मैं हेलीकॉप्टर में आ रहा था, मेरे साथ फॉरेस्ट मिनिस्टर थे किचलू साहब। माता वैष्णो देवी की पहाड़ी देखते हैं आप, मैंने नीचे देखा कि पहाड़ जंगल काटा जा रहा है। यकीन करेंगे, मैंने हेलीकॉप्टर उतरवाया और न कोई सिक्योरिटी न कोई पुलिस वाला उनके साथ, मैंने उतरे और देख लिए। जब मैं वहां से उनको छोड़ के इधर की तरफ आया, मैंने कहा अल्लाह, वहां तो वो कुल्हाड़ी लेके इसको खत्म कर दी। वापस भेजा लोगों को हेलीकॉप्टर में कि उनके साथ रहो, देखो क्या है, हमारे लोग जुल्म कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं। मैंने कहूं कि आप लोग, हमारे कश्मीरी भी ऐसे हैं, जिसको भी मिला, और आज उसका असर आप देख रहे हैं। इसलिए ये कहना कि हम बिल्कुल बेकार थे, कुछ नहीं किया, कितना क्या वो अल्लाह के पास है, जवाब वहां देना है। मगर हिम्मत करनी है आप लोगों ने, उसके बगैर नहीं चलेगा। और जिस दिन आप मायूस हो गए, उस दिन आप खत्म हो गए। मैं 90 साल से 2 साल कम हूं, और अल्लाह की कसम लगता है मैं अभी आज भी 26 साल का। क्यों? वो है, मैंने उसका दामन पकड़ रखा, मैंने इंसान का दामन नहीं पकड़ा। उसका दामन पकड़ो, हमारे सब मुश्किलें दूर हो जाए, इस रियासत की मुश्किलें दूर हो जाए, घबराइए मत। मगर दौलत इतनी आएगी, मेरा बाप कहता था, याद है मुझे त्रिमंजा, मैं कहता था मेरा बाप कि आलू खाओ,
मगर सर मत झुकाओ। फिर आए वो वजीर आजम, ने कहा यार खाओ जितना खा सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी तरक्की का वो चावल और बाकी चीज तुम्हें खिला रहा था। इसलिए अगर आपको इज्जत चाहिए तो पहले उस इज्जत के लिए अपने खड़े हो जाइए। इज्जत ऐसे नहीं आएगी, एक तरफ से आप पैसा भी मांगो और जब वो आएंगे इलेक्शन लेंगे, हाँ जी मैं तुम्हें 10 वोट दिलवा देगा, मेरा सारा इतना कब्जा है, ते तुसी मैनू इतने 1000 दे दो तो सारे वोट तुम मैं वेख्या। ऐसे मेहरबान है हमारी, अल्लाह रहम कर। पैसे और शराब के लिए कौम को बेचने के तैयार बैठे, होश करिएगा और मुनज्जम हो जाइए। यह ना हो कि कल आप गलती करें और खामियाजा हमारे बच्चे को बच्चों के बच्चों के बच्चे पढ़ाते जाएंगे। मैं आप सब लीडरों का शुक्रगुजार हूं, उमर का शुक्रगुजार हूं कि इसने ऐसी बात छेड़ दी। ईमान से मैं कहता हूं, मैं तो पहले घबरा गया, खुदा की कसम लेता, मैंने कहा मारे गए ये सारे लीडर मारे गए, मैं खुद मारा गया, क्योंकि सच का और सच बहुत मुश्किल कहना है। झूठ में तो हम बड़ा कुत्ता पे कैसे, अरे यार ये भी कर देंगे वो भी कर, यहां से भी आएगा उधर से आएगा। मगर इसने आपसे सही बात कही, मैं इसका शुक्र करता हूं कि अल्लाह का शुक्र है कि ये सच बोलता है, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी है। ये कौम इसके हाथ में है, इंशाल्लाह सच्चाई से आगे चलेगा। लीडरों से कहूंगा कमजोर मत हो जाएगा, गमगीन ना हो जाएगा, मगर हमें चुनौती है, उस चुनौती को हमने पूरा देखना है और उस चुनौती से हमें आगे चलना है। हमारी माएं बहनें और जो हमारे यहाँ पे बहनें बैठी हैं लीडर, उनको भी गुजारिश करूंगा, उनको भी, क्योंकि बहनें गुजर कभी लाते नहीं है, ये खुद आते हैं बहनें नहीं लाते। आपसे गुजारिश करूंगा बहनों से कि आपको इसी कौम में जाना पड़ेगा, इनको उजागर करना पड़ेगा। हमने बिल पास की है पार्लियामेंट में कि औरतों को अपना हक देना चाहिए, मगर वो बिल जो है वो अल्लाह जाने 1929 तो कहते हैं, मुझे दिखता है ये जो मर्द है ना वो टालता रहेगा इसको, मर्द कभी नहीं चाहेगा कि औरत उसके करीब आए, वो उस मकसद पे पहुंचे कि जहां हमें बांधे दौड़ने पड़े, बच्चों को नैपियां बदलानी पड़े, बच्चों को ललकार करना पड़ेगा और उनको स्कूल ले जाना पड़ेगा, औरतें जो है दफ्तरों में काम करें। ईमानदारी से आपसे कहता हूं, मैं देखा अपने पार्लियामेंट में सारा खिलवाड़ है, इलेक्शन है ना, औरतों हमने तुम्हें हक दिया है करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।